कट देगा सारा कुछ करना ही। क्या हुआ भाई? क्या करूं यार, परेशानी बड़ी हो गई है यार। घर में सारे खर्चे नहीं खत्म हो रहे, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं भाई। कंपनी बोलती प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नौकरी खाली करनी मुश्किल हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जिंदगी में पता नहीं क्या क्या करना चाहता हूं। गाड़ी चाहता हूं, बंगला चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, फिरना चाहता हूं। ना पैसा है ना टाइम है, ऐसा लग क्या करूं। फिर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ी मेहनत कर ले। और यार कितनी मेहनत करूं, 12 घंटे काम कर रहा हूं कंपनी में, कितना काम करूं और। 18 घंटे कर ले, फायदा तेरे ही होगा ना इसमें। बॉस बोलते प्रॉफिट नहीं हो रहे, अब क्या करूं, बॉस को क्या जवाब दूं। उन्हें समझा ले आराम से कि होगा, टाइम लगता है। नहीं यार बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा यार, क्या करूं यार, प्रमोशन नहीं हो रही। भाई किरे बता, तेरे दिमाग में क्या क्या रहा है मुझे वो बता। तू मुझे बता, तेरी जिंदगी में कुछ इच्छा है कि नहीं है? है यार, क्यों नहीं है? एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? है। तो ये बता, किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करना गलत बात है? हाँ गलत है। क्यों? अपने आप से कर। क्यों? अपने आप से कर, यहाँ तो 12 घंटे काम करते हो, 18 घंटे काम कर, मेहनत कर। तो मतलब हमें दूसरों से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर अपने से ज्यादा कर, अपने कर ज्यादा कर अपने से। कोई जो तू ये काम करेगा उसका फायदा तुझे ही मिलेगा। तो मतलब तू चाहता है कि हम अपन आत्मनिर्भर बने, हम हाँ दूसरों पे डिपेंड ना रहे। दूसरों पे नहीं, अपने आप करो जो करना है, और इच्छाएं खत्म कर दें। नहीं करो, मेहनत करो, और तो इच्छाएं पूरी करें। करें जरूर करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है उसमें। अब तू बता, मैं तेरा, तू मेरा भाई जैसा दोस्त है, अब मैं तेरे से उम्मीद करूं तो क्या वो पूरी नहीं करेगा? करूंगा, जितनी मुझसे करा है उतनी अपने आप से कर। मैं तेरी इतनी हेल्प करूंगा, इतनी अपने आप करेगा, अपने इतनी हेल्प करेगा। अब तू ये बता, तो मुझसे हेल्प चाहिए या अपने आप से चाहिए? ऑब्वियसली यार, अगर तू इतनी करेगा तो मैं तो इतनी चाहता हूँ ना। मैं तो फिर किसी ऊपर डिपेंड मत हो, रहो, लिमिट, एक लिमिट होती है, इसे उस लिमिट छोड़ दो, अपने आप मेहनत करो। यार ये तो बड़े तुमने काम की बात बताई यार। बस हम तो दूसरों के सारे रहते हैं कि यार वो मदद करेंगे, विस्तार करेंगे। भाई अभी तू जवान है, तो इतनी मेहनत कर कि बुढ़ापे आने पे तुझे मेहनत कर, जो बड़े थे इतना पैसा पढ़ाओ कि तू अपनी ऐश कर सके, अपना आराम से रह सके। यार ये तो तूने बहुत सही बताया यार। इतने पैसे क्यों रहने, क्यों कप्पे पे सप्पे मार रहा है? मेहनत कर, अपना काम कर, अपना बिजनेस कर, साथ में नौकरी कर। नौकरी बुरी नहीं है, सब करते हैं, दुनिया करते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपना बिजनेस भी करो। जो अपना बिजनेस करेगा वो तेरा बाद में डाके काम आएगा, जो नौकरी है वो तेरा खर्च लाएगी। नौकरी कर, तो रात को 2 घंटे अपना बिजनेस कर, कंप्यूटर पे। ये तो बहुत सही बात बताई तुमने यार। टेंशन नहीं लेगा अब? नहीं यार, मैं प्रॉमिस, प्रॉमिस यार, मैं इस पे पक्का। भाई धन्यवाद, धन्यवाद भाई यार। चले चल, चलते हैं, आगे कॉफी भी कहते हैं। चला चल, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो दोस्तों, आज आपने देखा दो दोस्तों की कहानी, उनकी जुबानी, कि हम किस तरह से एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में अपनी जिंदगी में बेफुजूल की जो है टेंशन ले आते हैं। आप एक्सपेक्ट करिए दूसरों से सिर्फ उतना ही जितना आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट खुद से करेंगे आप उतनी ही ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो आप क्या होंगे, आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और सिर्फ उनकी मदद पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ वी कैन यूज आवर ओन एक्सपेक्टेशन इन आवर ओन मैनर। अगर मैं बात करता हूं खुद से, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, अगर हमारे ड्रीम्स नहीं होंगे, अगर हमारे इच्छाएं नहीं होंगी, तो हम बताइए, सोचने वाली बात। अब यहां पर वही बात आ जाती है कि हमारे पास मुख्य तौर पर दो तरह की चीजें, वन इज स्पिरिचुअल एंड सेकेंड इज मटेरियलिस्टिक। अब जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होंगे, हो सकता है उनके लिए एक्सपेक्टेशंस कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इफ वी आर लिविंग इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड,
we must have expectations. Because as simple as that or as clear as that कि अगर हम ये करते हैं कि कोई दूसरा हमारी हेल्प करे तो मैं मानता हूँ वो कम्प्लीटली या कह लीजिए 90% टोटली रॉन्ग है। अब मुझे बताइए कि अगर हम अपने दोस्तों से या अगर अपने पड़ोसियों से या अगर रिश्तेदारों से एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है हमारी एक बार मदद कर दें, हो सकता है दो बार मदद कर दें, लेकिन उससे होगा क्या? हम उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है एक्सपेक्टेशंस का कि हम आत्मनिर्भर जरूर बने, एक्सपेक्टेशंस के बोझों तले दब ना जाएं। एक्सपेक्टेशन इतना होना चाहिए कि जितना हम एफर्ट करें हमें उतना रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। कहते हैं कि फल की इच्छा मत करिए, कर्म करते जाइए, बट मैं बोलता हूँ कर्म के साथ साथ आपका ये ध्यान भी जो है जरूर इस चीज पर होना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ क्या वो कर्म जो है प्रोडक्टिव थे या नहीं, फ्रूटफुल थे या नहीं। अब अगर मैं आपको कर्म करने के लिए बोलूं कि आपने दीवार को धक्का लगाना है तो होगा क्या? वो 10 साल बाद 20 साल बाद भी हिलने वाली नहीं है, दैट मीन्स कि दैट इज ऑफ नो यूज। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे जिंदगी में अगर बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, आराम चाहिए, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि मुझे काम करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर हो रही है एक्सपेक्टेशंस की, और मैंने शुरू में ही बताया था एक्सपेक्टेशन हम दो तरह की कर सकते हैं, एक दूसरों से और एक खुद से। आप देखिए कि आपको क्या लगता है जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? मेरा मानना है उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक बार होगा, दो बार होगा, वो बार बार नहीं होगा। तो दोस्तों जिंदगी में अगर हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों वो ये है, वो ये कि अगर आप रियली, इफ यू रियली डेडिकेटेड टुवर्ड योर लाइफ, इफ यू रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, और इफ यू रियली डेडिकेटेड टुवर्ड योर ड्रीम्स, मैं बोलता हूं एक्सपेक्टेशन जरूर रखिए, क्योंकि जब तक एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी हम कभी भी अपना 500% नहीं दे पाएंगे। बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल हु हैव नो वैल्यू इन योर लाइफ, या कह लीजिए कि जिनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू द पेन। पेन मीन्स आप टेंशन लेंगे, आपकी मदद करने वाले नहीं है और आप फिर भी उनसे उम्मीद करके बैठे हैं, उससे क्या होगा? ना आप खुद एफर्ट करेंगे और ना उनसे कोई एफर्ट, उनसे ना कोई आपको मदद मिलने वाले। तो आप विद इन ए टाइम लिमिट पूरा करना चाहते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी उसी के हिसाब से ही होनी चाहिए। Means you should keep time frame in your mind before setting up the expectations or setting up your dreams. और वही बात आएगी लास्ट में भी कि expectations को जरूर जिंदा रखिए, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अब जब इस धरती पर आ गए हैं, जन्म ले लिया है और भगवान ने बोला है कि सब कुछ कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जिंदगी में चाहते हैं उसको पाने के लिए कोशिश जरूर करते रहे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉबिल द सर्फर। थैंक यू।